नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी तीखी हो चुकी है। 10 उपचुनाव सीटों पर अब चुनाव बिगुल बज चुका है और चुनाव का ऐलान होने के बाद अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर फिर से तंज कसना शुरू कर चुकी। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली, तो उससे समाजवादी पार्टी नेताओं का आत्मविश्वास चरम सीमा पर है। इसी के साथ साथ यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को क्या अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि करहल विधानसभा सीट की बात करें वहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और यदि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नहीं आती है तो फिर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इटावा जिले में आने वाली करहल सीट कि यहाँ पर अखिलेश यादव या यादव परिवार का कोई भी चेहरा उनके खिलाफ ना होते हुए किस तरीके से रणनीतियां तैयार की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को तय करने के लिए निश्चित तौर पर तमाम प्रयास करती हुई नजर आई थी और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर उत्तर प्रदेश में परचम लहरा देना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता हुआ इसके बिल्कुल विपरीत नजर आया और बीजेपी को सीधे सीधे 29 सीटों का नुकसान हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश का किला यहां से कमजोर हो गया। योगी आदित्यनाथ को और भूपेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक समीकरणों पर यदि कोई समीक्षा बैठकें करेगा तो वो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शिवपाल यादव के आवास पर सैफई में अपर्णा यादव की मुलाकात उनके परिवार से होती है। आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके साथ साथ डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन रायबरेली और अमेठी से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने चुनावी जीत दर्ज की है। ऐसे में अब अपर्णा यादव को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। समाजवादी परिवार को एकजुट करने की बात की जा रही है। एकमात्र ऐसा चेहरा इस परिवार का जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है और राजनीतिक निष्क्रियता होने का कारण साफ सीधा यही है कि यहां पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं संगठन को लेकर के काफी एक सजग कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही है। हालांकि शिवपाल यादव ने बार बार ये कहा है कि अपर्णा हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है और राजनीतिक रूप से भी वह अपने जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही करने वाली। तो क्या वो वक्त आ गया है जब करहल उपचुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को शामिल करवा करके शिवपाल यादव उनके चुनावी भविष्य की रणनीतियां तैयार करने पर विचार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।